हाइड्रा को। अगर हाइड्रा की हम बात करें तो हाइड्रा जो है वो एक डिडेलियन है। डिडेलियन ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनके पास खास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं बड़े, जिनको हम डीनोसाइट सेल्स का नाम है। डीनोसाइट्स क्या होते हैं? ये खास किस्म के स्टिंग सेल्स हैं जो कि किसी जानवर को किसी अपने प्रे को शिकार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये निडेलियन से बिलोंग करता है। सिंपली इसकी बॉडी जो है वो के पास इस किस्म का कोई खास सिस्टम मौजूद नहीं है कि जिससे ये जो है एक्सक्रीशन के प्रोसेस को अंजाम दे। सिंपल ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है जिसके थ्रू ये क्या करता है कि अपने एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्ट को बॉडी से बाहर जो है वो आउट करता है। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें, इसकी बॉडी ये एक टेक्नोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ये आउटर इसकी लेयर और ये इसकी इंटरनल लेयर जो कि इसकी जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी भी कहलाती है। यहाँ से सिंपली ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है इस कैविटी से सिंपली यहाँ से डिफ्यूज आउट बाहर सराउंडिंग के अंदर, बाहर के माहौल के अंदर क्या कर देता है, स्पीड आउट। इस तरह से सिंपली डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो हाइड्रा के अंदर। उसे आगे अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की अगर बात की जाए तो प्लेनेरिया एक फ्लैट फॉर्म है। इसकी बॉडी बिल्कुल फ्लैटन होती है जैसा कि इस तरह डायग्राम के अंदर जो है वो दिखाई गई है। इसकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट सी इसकी बॉडी है। इसके पास भी कोई खास एक सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस तरह से हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है बड़ा एक्सक्रीशन के लिए। तो इसके पास इस तरह के सिस्टम्स मौजूद है। एक्सक्रीशन जो इसके अंदर होती है वो एक खास किस्म के सिस्टम के थ्रू होती है जो कि इसने अडॉप्ट किया है, दैट इज अ ट्यूबुलर सिस्टम। इसके पास एक ट्यूबुलर सिस्टम मौजूद है बड़ा, जिसके थ्रू इसने क्या करना है, अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना। किस तरह से ट्यूबुलर सिस्टम इसके पास मौजूद है? पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क मौजूद है, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये ट्यूब्यूल्स का पूरी बॉडी के अंदर थ्रू आउट द बॉडी एक नेटवर्क मौजूद है बड़ा। और इस नेटवर्क के थ्रू ये क्या करता है, अपने वेस्ट मटेरियल को इस ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू एक बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। इस तरह से ट्यूबुलर सिस्टम इस वेस्ट को कलेक्ट करता है। किस तरह से इस वेस्ट मटेरियल को जो है कलेक्शन के बाद एक खास किस्म के पोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है, हम आगे इसके पास जो खास किस्म का ट्यूबुलर सिस्टम है उसे हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोनेफ्रिडिया। उसे हम नाम देते हैं किसी इसका प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया बेसिकली एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के थ्रू वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भेजा जाता है। इस तरह ये बॉडी के अंदर सारा ये जो जाल सा मौजूद है, ट्यूबुलर सिस्टम सा मौजूद है, ये क्या करता है, बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल को कैप्चर करता है। उस वेस्ट मटेरियल को कैप्चर करने के बाद उसे एक पोर के थ्रू बॉडी से बाहर जो है वो एक्सक्रीट आउट किया। अब अगर हम बात करें इस एक ट्यूबुलर इनके सिस्टम की, इस सिस्टम की बात करते हैं, इसके इन ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, तो इन ट्यूब्यूल्स के पास इनकी जो एंडिंग्स होती हैं वो इनकैप्सुलेटेड होती हैं, वो सराउंडेड होती हैं, वो इस तरह से इनकी एंडिंग्स मौजूद होती हैं बड़ी, इस तरह से इनकैप्सुलेटेड इनकी एंडिंग्स मौजूद। और इन इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स को हम खास किस्म का नाम देते हैं, और वो खास किस्म का नाम क्या है उसे हम नाम देते हैं पेन सेल्स का। मींस पूरी इनकी बॉडी के अंदर जिस तरह से ये ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं बड़ी, ट्यूब्यूल्स के पास खास किस्म की इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स हैं। इस तरह से इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स हैं। इन इनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स को हम किस चीज का नाम देते हैं, पेन सेल्स का नाम देते हैं। और फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स क्या होते हैं? फ्लेम सेल्स की अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस के लिहाज से फ्लेम सेल कुछ इस तरह से होते हैं। फ्लेम सेल, अगर हम फ्लेम सेल्स की बात कर ले तो फ्लेम सेल्स की कुछ शेप कुछ इस तरह से हो, इस तरह लाइक अ फ्लिकिंग फ्लेम। इस तरह से इस शेप के ये जो सेल्स मौजूद होते हैं, इन सेल्स के अंदर बहुत सारे सीलिया जो है वो लगे हुए होते हैं। मतलब इसमें टफ ऑफ सीलिया का यूं कहने के सीलिया का एक पूरा ग्रुप मौजूद होता है। अब ये जो सीलिया का पूरा ग्रुप इनके पास मौजूद है, ये सीलिया अंदर बीट करते रहते हैं, और इनकी बीटिंग की वजह से जितना
वेस्ट मटेरियल इनकी बॉडी में, यहाँ पर इनके सिलोम के अंदर जितना वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है, वो सारे का सारा सीलिया कैप्चर करने के बाद वेस्क्यूलर सिस्टम के अंदर जो है उसको छोड़ देते हैं। फ्लेम सेल्स क्या है जी? फ्लेम सेल्स जो है वो इस तरह के सेल्स हैं जो कि मौजूद हैं पड़े एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। किसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर? प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम के। पूरा एक टफ्ट ऑफ सीलिया जो है गुच्छा सा मौजूद होता है पड़ा इनके अंदर। लाइक जैसे इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया, या हमारे पास एक फ्लेम सेल और इस फ्लेम सेल के अंदर मौजूद है पड़े ये टफ्ट ऑफ सीलिया से मौजूद है पड़े, और ये जो सीलिया है ये अंदर बीट करते जाते हैं, और इनकी बीटिंग से जितना भी सिलोम के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो सारे का सारा क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। वो सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होने के बाद टोटली सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो सीलिया जब बीट कर रहे होते हैं वो सारा कलेक्ट होने के बाद इस एक ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर जो है आ जाता है। अब जब ये ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर ये सारा वेस्ट मटेरियल एक ट्यूब्यूल्स के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, सारे का सारा जमा हो जाएगा, तो इसे यहां से बाहर बॉडी से बाहर एक पोर के थ्रू बॉडी से बाहर जो है वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, और उस पोर को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रिडियो पोर। दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रिडियो पोर, जो कि इस पूरे ट्यूबुलर सिस्टम के सारे वेस्ट को इकट्ठा करने के बाद ये नेफ्रिडिया स्पोर के थ्रू इस सारे वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, और इस तरह से अपनी सराउंडिंग्स में जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ये इस मटेरियल को अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है इनका। अब इनमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लाइक कुछ फ्रेश वाटर के अंदर प्लेन एरिया मौजूद होते हैं पड़े, कुछ जो है वो पैरासिटिक हैं, इस तरह से कुछ फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो मौजूद है वो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर वेस्ट मटेरियल को जो है अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेंगे। इसी तरह से लाइक जो कुछ ऐसे हैं जो पैरासिटिक हैं, जैसे जो पैरासिटिक हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल को अपने एक और तरीके के थ्रू लाइक आइसोटोनिक कंडीशन में अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट